आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए अब ट्रैफिक पुलिस ने एक बार फिर कमर कस ली है। ट्रैफिक पुलिस ने नो पार्किंग में खड़े होने वाले वाहनों को जब्त कर उनकी चालानी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। अतुल इसको भी रखवाओ, इसको किनारे लेके आओ। हाँ, ये दोनों तीनों गाड़ियां जाएंगी। मंगलवार को जहां बिना अस्पताल प्रबंधन की अनुमति के अस्पताल परिसर में खड़े आधा दर्जन एम्बुलेंस वाहनों को जब्त किया गया है, तो वहीं बुधवार को शहर के विभिन्न जगहों पर नो पार्किंग में खड़े दर्जन भर वाहनों पर जब्त कर चालानी कार्रवाई की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस की इस कार्रवाई से अब तो ये साफ जाहिर हो गया है कि शहर में नो पार्किंग में खड़े होने वाहनों की अब खैर नहीं है। दरअसल यह कार्रवाई एसपी राकेश सिंह के निर्देश पर यातायात डीएसपी मनोज वर्मा के नेतृत्व में की जा रही है। ट्रैफिक डीएसपी ने बताया कि शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। डीएसपी का कहना है कि शहर में नो पार्किंग में खड़े होने वाले ट्रैफिक व्यवस्था को बिगाड़ने का सबसे बड़ा कारण है, जिसके चलते सबसे पहले इस व्यवस्था को सुधारने के लिए नो पार्किंग में खड़े होने वाले वाहनों को जब्त कर चालानी कार्रवाई की जा रही है। ट्रैफिक डीएसपी ने कहा कि शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके लिए आम जन के सहयोग की भी अपेक्षा है।